मरियम नवाज की तस्वीर लग रही है जी उन डिब्बों के ऊपर जो बच्चों को स्कूल में दिए जाएंगे। अगर ये जो तस्वीर नीचे डिस्प्ले हो रही है अगर ये दुरुस्त है तो ये बड़ी गलत बात है। अब दूध के डिब्बों पर भी मरियम नवाज की तस्वीर लगेगी। वैसे समझ से बालातर बात है, दुनिया में कहीं भी इसकी मिसाल नहीं मिलती भी। पैसा अवाम का, टैक्स अवाम दे और तस्वीर मैडम की, हाउ डिस्कस्टिंग इट इज। अक्ल भी कोई चीज़ होती है, आप बच्चों को क्या पैगाम दे। ठीक है रियासत माँ की जैसी होती है, अब दूध के डब्बे पर माँ की तस्वीर तो नहीं ना लगा दी जाती। आप वैसे ही लिख दें कि हुकूमत पंजाब की तरफ से दूध दिया गया, या फिर गाय की तस्वीर लगा दें। यूं मैडम मरियम नवाज की तस्वीर लगाकर आप उनकी तोहीन कर रहे हैं। इससे ना तो पार्टी की मकबूलियत में इजाफा होगा, ना ही बच्चे मरियम नवाज जैसे होंगे और ना ही दूध का जायका बदलेगा। अगर कोई चीज़ बदलेगी तो वो है नजरिया दूध मिल्क आइडियोलॉजी। वैसे एक डेयरी फार्म तो हमजा शहबाज साहब का भी है इनहार के नाम से, बस ये कंफर्म कर दें कि ये दूध कहीं वहां से तो नहीं आ रहा। और एक मशवरा है आपके लिए कि फीडर्स बनाने की भी एक फैक्ट्री बना लें, दूध के साथ साथ फीडर भी दे। कमाल की बात है ना, दूध ले लो दूध, भाई लेटरिन पर आपकी तस्वीरें, फ्लाईओवर्स पर आपकी तस्वीरें, रोड की तमीरों के ऊपर आपकी तस्वीरें, कचरे के डब्बों पर आपकी तस्वीरें लगनी रह गई हैं वो भी लगा लें। जहाँ वो कचरा टैक्स लगा रहे हैं वहाँ पर तस्वीर भी लगा लो। वैसे अगर दूध के डिब्बे पे आप तस्वीर लगाती हैं तो दूध का डब्बा से दूध निकलने के बाद जाएगा तो वो कचरे में। मैडम आपसे बड़ी मोहतबाना इल्तमास है, आप अपने एडवाइजर्स को चेंज करें, ये तो आपकी तस्वीरों को आपको जो है कूड़े में फेंकवा रहे हैं। आपके पास जो आसपास जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं लग रहे, इनका बस चले तो बिजली के बिलों के ऊपर भी आपकी तस्वीर लगवा दें। मुझे इजाजत दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।